अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरी मम्मी के घर से, क्योंकि मैं यहाँ आई हुई थी स्टे करने। तो मैंने सोचा आज क्या करती हूँ मैं, क्या रूटीन रहती है मम्मी के घर, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो जी मेरा और मेरी सिस्टर का रूम था शादी से पहले, और शादी के बाद भी हम यहीं आकर स्टे करते हैं, यहीं पर अपनी चीज़ें रखते हैं और यहीं पर हम सोते हैं, पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। और साथ साथ मेरे अनस था, जो कि कुछ ना कुछ उनको करना होता है, और यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर रही थी, बेडशीट मैंने क्लीन कर दी। बस अनस जो है वो अपनी मस्ती में मगन, माशाल्लाह से इस 21 मंथ्स ओल्ड या एंड अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ ग्रोइंग सो फास्ट। साथ साथ इनकी मस्तियाँ भी बढ़ रही हैं, और ये काफ़ी इंजॉय करते हैं नानों के घर पर, क्योंकि यहाँ किसी चीज़ की रोक टोक नहीं होती है। नानों के घर पर तो आपको पता होता है कि जो दिल में आता है नानों जो है वो करने देती हैं, क्योंकि हम जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बहुत लाडले होते हैं। तो अनस भी माशाल्लाह अपनी नानों का बहुत लाडला है, तो अनस यहाँ पर बहुत इंजॉय करता है। और साथ ही साथ मैं अनस की खिचड़ी रेडी कर रही थी, प्लेन खिचड़ी बनाई है मैंने, क्योंकि अभी खाना प्रॉपर रेडी हुआ नहीं था। अनस को मैं वैसे प्रॉपर मील देती हूँ जो मैं ले रही होती हूँ, जो घर का खाना होता है वो देती हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी रूटीन डिस्टर्ब थी, तो उस वजह से मैंने उसकी खिचड़ी रेडी कर दी। इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि अनस को मैं क्या दे रही होती हूँ दिन भर में। और जी यहाँ दूसरी तरफ मम्मी जो है हमारी, वो बना रही थी बहुत ही मज़ेदार सा खाना, एंड देख सकते हैं आप यहाँ पर है चिकन। तो जी वो यहाँ पर बना रही थी चिकन आलू और पुलाव, एंड ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मैं जब भी आती हूँ मम्मी से इस चीज़ की जो है डिमांड करती हूँ कि मुझे ये खाना है, मुझे नहीं पता, बस आप मुझे ये बना कर दें। तो माशाल्लाह से इनके हाथ में बहुत टेस्ट है, मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर हम अपनी सिस्टर का वेट कर रहे थे कि वो आए, तो फिर हम साथ में लंच इंजॉय करते हैं। तो जब सिस्टर आ गई थी तो फिर हम लोगों ने लंच करा, और उसके बाद हमने खूब इंजॉय किया, खूब बातें की, शाम की चाय वगैरह पी। और मैं व्लॉग जो है कंटिन्यू करना भूल गई थी, अचानक से मुझे याद आया, तो फिर मैंने कंटिन्यू किया। और यहाँ पर हो गया था रात का टाइम, तो बस हम अब सोने की तैयारी कर रहे थे, और अनस जो है यहाँ पर फिर से अपनी मस्तियों में मगन थे। और एज़ यूजुअल एसी वाला रूम, और उसी रूम में सारे सो रहे होते हैं, तो बस इसी रूम में हम सब सोते हैं। तो आई होप कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़, बाय।